चेक पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं आपको एक मुमरा की हकीकत बताने जा रहा हूँ कि आज जो मुमरा रेलवे ट्रैक है, जो फास्ट ट्रैक है, जो एक बड़ी लाइन जाती है जहाँ से मेल वगैरह जहाँ से गुजरती है, उस रोड के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं उसी रोड के ऊपर का ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और इसके जस्ट नीचे देखिए जो पानी का एक ब्रिज आता है, मुमरा जो मतलब फास्ट ट्रैक के लिए जो रास्ता है, वहां से पानी का एक ब्रिज आता है। ब्रिज के नीचे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे नाव खड़ी है, जो मतलब रेती का जो कारोबार मतलब किया जाता है यहाँ पे, रेती माफिया जिसको कहते हैं, तो ये रेती माफिया इसके नीचे से जो है रेती निकालते है। दूसरी चीज ये है कि ये जो रेती निकालते हैं, तो आप लोगों को भी ये चीज पता है कि कल अगर कोई घटना, अगर समझो ये रेलवे ब्रिज है जो कि एक बंबई की बहुत बड़ी मतलब ये रेल जो रास्ता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर जगह की ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे मेल हो, कहीं का भी हो ट्रेनें वहां से निकलती हैं। अगर ये ब्रिज अगर सरक जाती है, जिस पे रेलवे भी ध्यान नहीं दे रहा है, अगर यह ब्रिज कहीं नीचे से अगर वो गिर जाती है या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज रेलवे प्रशासन आज सो रहा है कि आज उसके नाक के नीचे से आज रेती निकाली जा रही है, उसकी रेलवे के ट्रैक के नीचे से रेती निकाली जा रही है, और ये रेती माफिया जो है ये अपना दुकान चला रहे हैं। मैं ये न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो रेती माफिया है उनके ऊपर नकेल कसी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नए न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।